हे एवरीवन, आज की वीडियो यूनान के ऊपर है। आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि आप लोग यूनान का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसकी एम्बेसी के जितने भी मतलब लोकेशंस, इनके पोर्टल्स, इनके फोन नंबर्स, इनकी एवरीथिंग, जो मतलब कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, मतलब मैं सबके जो भी है लोकेशंस डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। एक एक चीज आपको बता दूंगा, आप लोगों ने इसको जरूर अप्लाई करना है। टू द पॉइंट बात करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, हर बंदे का टाइम कीमती है। देखिये, पाकिस्तान में यूनान वैसी मुख्तलिफ किस्म के वीजे जारी करती है। नंबर वन के ऊपर आता है हमारे पास शॉर्ट स्टे वीजा। इस कैटेगरी के अंदर एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा टाइप ए होता है, दूसरा ट्रांजिट वीजा टाइप बी होता है, उसके बाद विजिट वीजा शेंगेन टाइप सी होता है, उसके बाद एक बिजनेस वीजा होता है, इसे भी टाइप सी बोला जाता है। उसके बाद लॉन्ग स्टे वीजा की अगर मैं बात करूं तो इस कैटेगरी के वीजे को नेशनल वीजा कहा जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ इकसाम के वीजा शामिल होते हैं। नंबर वन के ऊपर होता है स्टूडेंट वीजा, स्टूडेंट वीजा टाइप डी बोला जाता है इसको। उसके बाद वर्क परमानेंट वीजा, इसे भी टाइप डी बोलते हैं। उसके बाद फैमिली मिलाप वीजा, उसे भी टाइप डी के अंदर ही वो भी शामिल होता है। वीजा अप्लाई करने का जो तरीका कार है ना, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस चीज को जरा गौर से सुनिएगा, अगर आपको किसी चीज की समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा आप बैक करके भी देख सकते हैं। देखिये, यूनान एम्बेसी वीजा ऑनलाइन वीजा दरखास्तें जमा करती है, जिसके लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। उसके लिए आपको ईमेल एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, और मैं ऐसे भी बता देता हूँ grcon.isi@mfa.gr। डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए फोन नंबर से आपने इनसे टाइम ले लेना है। ईमेल के अंदर आप पूरा अपना नाम, अप्लाई करने वाले अफराद की तादाद, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर समेत विजिट का मकसद और विजिट का जो टाइम है वो आप बताएं कि आप कितने दिन के लिए आपको स्टे करना है, किस मकसद के लिए आप जा रहे हैं, और मुद्दत लिखना ना भूलिएगा। इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर अपॉइंटमेंट नहीं रखी जाएगी, इन चीजों को आपने लाजमी करना है। उसके बाद नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन है, और 051252816 है। उसके बाद ऐसे ही आपने 051 लगा के, और दूसरा नंबर है 051282558 है। वक्त मिलने पर जो अप्लाई कर रहे हैं वो खुद सफारतखाने जाए, जहां कॉन्सुलेट सेक्शन में इसका इंटरव्यू होगा, और तमाम मतलूबा डॉक्यूमेंट्स के साथ वीजा दरखास्त जमा की जाएगी। वीजा फीस भी इस वक्त ली जाएगी, जो के शॉर्ट स्टे वीजा के लिए 80 यूरो फिक्स किए गए हैं, जो के नाकाबले वापसी होते हैं। सिंध के रहायशी जिनको कराची इस्लामाबाद से ज्यादा नजदीक है, वो यूनान के शेंगेन वीजा के लिए कराची में इटली के कॉन्सुलेट जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास यूनान के वीजा के मामला डील करने के लिए मुकम्मल इख्तियारात होते हैं, इस्लामाबाद एम्बेसी और कराची के एड्रेस वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उनके फोन नंबर, उनकी वेबसाइट्स, उनका ईच एंड एवरीथिंग मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। अब बात करता हूँ विजिट वीजा की। देखें, सैरो तफरी के लिए या अजीजों कारब से मिलने और बाकी ठोस वजूहत पर यूनान का 90 रोज तक का शेंगेन वीजा आपको मिल जाता है। इसके लिए स्पॉन्सरशिप जरूरी है। पहले किसी शेंगेन के यूरोपीय यूनियन के मेंबर मुल्क का वीजा लगाओ तो वीजा आपको आसानी से मिल जाता है। पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो, और मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करें तो भी वीजा आपको मिल जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स ये हैं, एक कंप्यूटर पर पुरशुदा वीजा फॉर्म, जो कि आप एम्बेसी की वेबसाइट से वर्ड फाइल की सूरत में डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर ही फिलअप करके उसका प्रिंट निकाल लेंगे। उसका डाउनलोड करने का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हुआ है, वहां पे जाके चेक कर लें। उसके बाद कम अज कम आइंदा 3 माह के लिए वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद वीजा रिक्वेस्ट लेटर और ट्रेवल प्लान आपके पास मौजूद होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 2 अदद ताजा पासपोर्ट साइज तस्वीरें होनी चाहिए। अगर आपका किसी कोई रिश्तेदार या दोस्त से मिलने यूनान जाना चाहते हैं तो यूनानी पुलिस से तस्दीक शुदा दावतनामा और उसके रहायशी परमिट की कापियां आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद स्पॉन्सर और रिश्ते के सबूत के लिए बर्थ और मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जिस कंपनी महकमे तंजीम अदारे में आप काम कर रहे हैं उसका रेफरेंस लेटर, सैलरी स्लिप्स और छुट्टियों का सर्टिफिकेट। अगर अपना कारोबार है तो उसकी रजिस्ट्रेशन और टैक्स के कागजात आपके पास होने चाहिए। यूनान की कंफर्म हवाई टिकट भी आपके पास होनी चाहिए। यूनान में कहाँ आपने स्टे करना है उसके लिए आपके पास होटल की बुकिंग,
मौजूद होने चाहिए। उसके बाद असली और ताजा तरीन बैंक स्टेटमेंट जिसके ऊपर आपका पता और बैंक अपना फोन नंबर और दो बैंक अफसरों के सिग्नेचर मौजूद होने चाहिए। उसके बाद आमदनी का गुशवारा और 30,000 यूरो की हेल्थ इंश्योरेंस भी दरकार होगी आपको, जबकि ट्रेवल चेक्स और क्रेडिट कार्ड आपकी अपनी मर्जी पर मुनहसर है। ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैं बात करता हूँ, शेंगेन ममालिक के बारे में कम अज कम 30,000 यूरो मालियत की हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी करार दे दी है। अब शेंगेन का कोई भी कंट्री है ना, उसके लिए 30,000 यूरो की आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो लाजमी है, जो कि सिर्फ मंजूर शुदा कंपनी से ही करवाई जाएगी। तो काबिले कबूल है कि मंजूर शुदा कंपनी से करवाई जाए, अदरवाइज कबूल नहीं होती। मंजूर शुदा कंपनियों की फहरिस्त जो है वो मैं आपको बताने लगा, इस चीज को आप जरा गौर से सुनिएगा। नंबर वन के ऊपर है AIG 102 फर्स्ट फ्लोर गुलिस्तान हाउस फसले हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। इस कंपनी का जो फोन नंबर है वो 051111 और फिर 111 और उसके बाद 244 है, लाइक 04111111244 इसका फोन नंबर है। ये कंपनी 6 माह से छोटे बच्चों और 80 साल से जायद उम्र की इंश्योरेंस नहीं करती, याद रखिएगा। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर है एग्लिट सर्विसेज INT, ये कंपनी 14 ब्लॉक 12 सिजना सुपरमार्केट F7 मरकज इस्लामाबाद में मौजूद है। इसका फोन नंबर 05126503 है। तो ये कंपनी सिर्फ 74 साल तक के लोगों की इंश्योरेंस करती है। और वीजा मिलने के बाद की जो मैं अगर बात करूँ, तो देखिये पासपोर्ट पर वीजा स्टिकर जब आपका लग जाएगा, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप लोग हर सूरत यूनान के अंदर दाखिले का हक रखते हैं। यूनान के एयरपोर्ट पर आपको एक इंटरव्यू से गुजरना होता है, जिसके बाद इमिग्रेशन हकाम के मुतमिन होने पर ही आपको एंट्री मिलेगी। मुख्तलिफ सूरतों में इमिग्रेशन हकाम आपको एयरपोर्ट से ही वापस भेज सकते हैं। नंबर 1, नापसंदीदा अफराद में नाम रजिस्टर्ड हो, आपका अगर पासपोर्ट और बाकी के डॉक्यूमेंट्स अगर आपके सही ना हो, अगर आप वीजा की मुद्दत के लिए मुद्दत खत्म होने पर वापस ना आए, अगर उनको कोई भी डाउट आ जाए तो फिर भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप यूनान रहने आए हैं उसके बिना के ऊपर आपके पास वहां पे रहायशी परमिट आपके पास अगर नहीं है, तब भी आपको नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप अपने कागजात से साबित ना कर सकें और आपके ऊपर कोई भी एक आधा भी डाउट हो गया उनको, तो वो आपको वहां पे एंट्री नहीं देंगे। अगर आपकी वीजा दरखास्त रिजेक्ट हो जाए तो देखिए, यूनानी इमिग्रेशन कवानीन के तहत एम्बेसी वीजा दरखास्त रिजेक्ट कर दे तो दलायल देने या वजूहात को साबित करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अपील नहीं की जा सकती। आपके मुख्तलिफ लोगों को अपील का हक हासिल होता है। वैसे देखिए, यूनानी शहरी के रिश्तेदार फैमिली मेंबर्स यूरोपीय यूनियन में शामिल मुल्क के फैमिली मेंबर्स हो गए, उसके बाद जिनकी एंट्री रहायश और मुलाजमत का कम्युनिटी लॉ के मुताबिक इंजाम हो, उसके बाद ये तस्लीम शुदा महाजर और इनके अहले खाना, बाकी ये चीजें होती हैं, तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। मैंने सारी डिटेल आपको बता दी। अगर आपको अभी भी किसी चीज की समझ नहीं आ तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं इंस्टा के ऊपर, आप लोग मुझे SMS कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी करूंगा और इंशाल्लाह आपकी फुल हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूँ। बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पिज्जा।